पर अब सबका स्वागत है। बात करते हैं मंत्री विश्वास सारंग की। जी हां, उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह तालिबानी मानसिकता से ग्रसित हैं। आपको बता दें, सारंग ने दिग्विजय को तालिबानी नीतियों को संरक्षण देने वाला भी कहा है। उन्होंने कहा कि तालिबानी नीतियों को संरक्षण देने का उन्होंने प्रयास किया है। कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिंदुस्तान का नाम बदनाम किया है, ये कहना है विश्वास सारंग का। हिंदुस्तान का नाम बदनाम हो या हमारा सम्मान कम हो, इसी पर प्रयास किया है। मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय जिस पर हमें संयम के साथ ही कुछ बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस विषय पर नहीं बोल रहा, क्योंकि ये सरकार का विषय है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। इस पर हम कुछ भी टिप्पणी करेंगे तो उसका असर भारत के मान सम्मान या हमारी विदेश नीति पर पड़ सकता है। पर दिग्विजय सिंह जी को इससे क्या लेना देना? दिग्विजय सिंह जी को तो रोज़ मीडिया की सुर्खियों बनने